हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सीएस रिचा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। ऑल हैव 24 आवर्स इन अ डे, बट हैव यू एवर वंडर व्हाई डज इट सीम दैट सम पीपल आर एबल टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ एवरी मिनट ऑफ द डे? नो, यस, आई हैव द आंसर टू दिस क्वेश्चन बिकॉज दे नो हाउ टू प्रॉपरली मैनेज देयर टाइम। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड मैंने कुछ टिप्स बनाई हैं जो कि हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सो टिप नंबर वन है टू क्रिएट द प्लान और टू मेक योर टू डू लिस्ट। अब मैं यहाँ पे आपको टिप नंबर वन में ये बताना चाहती हूँ कि आपको अपनी प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने टाइम को मैनेज करना चाहते हो, आप उसको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हो, तो आपको उसको प्लान करना बहुत ज़रूरी है। टाइम अदरवाइज निकलता जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा, एंड वी हैव डन नथिंग इन 24 आवर्स। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्लानिंग करें और एक टू डू लिस्ट बनाएं। सपोज आज आप मॉर्निंग में उठे, आपको आज क्या क्या वर्क करना है, तो आपने उसकी एक लिस्ट बना ली। अगर आप एक प्रॉपर लिस्ट बना लेंगे, आप अपने डे को प्लान कर लेंगे, तो उससे क्या होगा कि आप जितना वर्क आपने सोचा हुआ है या जो आप काफ़ी टाइम से सोच रहे हो, वो आप एक्चुअली फिनिश कर लोगे। तो अगर आप प्लानिंग कर लेते हो, अगर आप अपनी टू डू लिस्ट बना लेते हो, इसके लिए आप बहुत सारे प्लानर्स वगैरह का भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आप खुद से लिस्ट नहीं बना सकते, तो आप बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं आपके डे को किस तरीके से लिस्ट कर सकते हो कि आपको आज क्या क्या काम करना है। इसके लिए बहुत सारी गूगल पे आपको एप्लीकेशंस मिल जाएंगी, आप उन एप्लीकेशंस का भी यूज करके अपनी एक टू डू लिस्ट बना सकते हो और अपने डे को प्लान कर सकते हो। इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। फ्रेंड्स, टिप नंबर वन में हमने ये सीखा कि हम किस तरीके से अपने डे को प्लान कर सकते हैं, और हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें आज के दिन क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। अपनी एक प्रॉपर लिस्ट बना सकते हैं, वो लिस्ट हम एक एप्लीकेशन के थ्रू भी बना सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप पेपर और पेन की हेल्प से भी अपनी एक टू डू लिस्ट बना सकते हैं। फ्रेंड, टिप नंबर टू में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पुट टाइम लिमिट ऑन योर टास्क। आप जो भी टू डू लिस्ट बनाते हैं, जो भी अपने डे को प्लान करते हैं, उस पर आप टाइम लिमिट भी रखिए। आप हर टास्क के लिए अपनी टाइम लिमिट रखिए। आप जो भी काम करते हैं, आपने टू डू लिस्ट तो क्रिएट कर ली, आप उसको फॉलो भी कर रहे हैं, बट आपको एंड ऑफ द डे पता चल रहा है कि आधी चीज़ें हो ही नहीं पाई बिकॉज आपने कुछ चीज़ों पे, कुछ टास्क पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया है। तो इसके लिए आपको कुछ टाइम लिमिट रखना भी ज़रूरी है। जो भी टास्क आप प्लान कर रहे हैं, उस पर टाइम लिमिट रखिए। अगर आप अपने टास्क को टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग करेंगे, वट एवर यू डू, आप अगर उसको टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग करेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा काम एक दिन में कर पाएंगे। तो सेकेंड टिप यही है कि आप टाइम लिमिट अपने टास्क पे जरूर रखिए। टिप नंबर थ्री इज प्लान योर वीक। अगर आप अपनी प्लानिंग करना चाहते हो कि आपको कैसे कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है, आप कैसे उसको इफेक्टिवली यूज कर सकते हो, तो सबसे बेस्ट वे है कि आप संडे का यूज करो। अगर आप संडे को यूज कर लेते हो, संडे को आप इफेक्टिवली यूज कर लेते हो कि आप अपने पूरे हफ्ते का प्लानिंग संडे को कर लेते हो, दिस इज व्हाट आई डू। फ्रेंड्स, मैं क्या करती हूँ, मैं संडे को प्लान कर लेती हूँ कि मुझे वीक में, अब आने वाले वीक में, कमिंग वीक में मुझे क्या क्या काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, मंडे टू सैटरडे मुझे किस दिन कौन सा काम करना है और कितने टाइम लिमिट के अंदर करना है, कि सारा मैं संडे को प्लान कर लेती हूँ। इससे मेरा जो है टाइम मैनेज भी हो जाता है और मैं उसको अच्छे से यूज भी कर पाती हूँ, और जितने मेरे काम होते हैं वो इवेंचुअली ख़त्म भी हो जाते हैं। तो अगर आप अपने वीक को प्लान कर लेंगे, अब आप कोई भी डेज ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, संडे नहीं तो आप कोई और दिन जिसको आपको जो सही लगे, आप कोई भी वीक में एक ऐसा डे ले सकते हैं, और बचा हुआ वीक जो है आप उसके अकॉर्डिंगली उसे प्लान कर सकते हो कि आपको क्या क्या काम करने हैं कमिंग वीक्स में, कमिंग डेज में। तो अगर आप संडे को सब कुछ प्लान कर लोगे, तो आपका जो भी कमिंग वीक है वो बहुत ईजिली आप जितने भी प्लानिंग आपने की है वो आप एग्जीक्यूट कर सकोगे। सो इट्स प्लान योर वीक ऑन संडे, देन रोल अप ऑन मंडे लाइक अ बॉस। टिप नंबर फोर में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि हम अपने वर्क को प्रायोरिटाइज कैसे कर सकते हैं। प्रायोरिटाइज करने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि आपको ये पता होना चाहिए, जब भी हम टू डू लिस्ट बनाते हैं या हम अपने वीक को प्लान करते हैं, तो हमें बहुत सारे काम याद आने लगते हैं। तो हमें लगता है कि ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम इस वीक में कम्प्लीट करें, तो हम उसको फर्दर एक्सटेंड करने लगते हैं। तो फ्रेंड, उसको हेल्प करने के लिए आप एक प्रायोरिटी मैट्रिक्स का यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए दिया हुआ है।
इसको क्या कर सकते हो कि आप फोर सेक्शंस में अपने सारे वर्क को अपने फोर सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला सेक्शन होगा डू फर्स्ट। आपको वो काम पहले लिखने हैं जो कि आपको पहले करने हैं, आपको जो लग रहा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है और इस वीक में या इस दिन पे मुझे वो काम कंप्लीट करना ही है, इस डेट से पहले मुझे वो काम खत्म करना है, तो पहले आप उन काम को लिखिए। सेकंड मैट्रिक्स में और सेकंड बॉक्स में आप उन कामों को लिखिए जो कि आपको फर्स्ट काम के बाद करने हैं। पहले जो काम आपने लिख चुके हैं उसके बाद जो सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी है उन कामों को लिखिए, उन वर्क्स को लिखिए। उसके बाद थर्ड बॉक्स में और थर्ड कॉलम में आप उन एक्शंस को लिखिए जो कि आप थोड़ा लेटर कर सकते हैं, जिसको अभी के लिए आप थोड़ा डिले कर सकते हैं, पहले उन दोनों काम कंप्लीट करने के बाद ही आप उनको उठाएंगे। तो थर्ड काम को आप थर्ड कॉलम में डालिए। उसके बाद फोर्थ कॉलम है और फोर्थ प्रायोरिटी मैट्रिक्स है कि आप उन कामों को अपने डेज से बिल्कुल हटा दीजिए जिनको आपको करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जिसमें कोई एक्शन रिक्वायर्ड ही नहीं है, आप उन कामों को अपनी लिस्ट से हटा दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपके वर्क जो है बिल्कुल प्रायोरिटी वाइज डिसाइड हो जाएगा कि आपको क्या चीज़ पहले करनी है, क्या चीज़ उसके बाद करनी है, तो आपको वीक प्ले में बहुत ईजी होगा। तो वर्क प्रायोरिटाइजेशन इज टिप नंबर 4। फ्रेंड्स, आर ब्रेन इज द मास्टर ऑफ आवर बॉडी। हम कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम ब्रेन की हेल्प से ही कर सकते हैं। तो अगर हम इस ब्रेन को ही ट्रेन कर देंगे कि हमें करना क्या है, तो कितना इजी हो जाएगा हमें कोई भी चीज एग्जीक्यूट करना। तो फ्रेंड्स, टिप नंबर 5 इज ट्रेन योर ब्रेन। ट्रेन योर ब्रेन से मतलब है फ्रेंड्स, अगर हम जो वीकिंग प्लानिंग, जो वीक की प्लानिंग हम करते हैं कि हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, हम पेपर और पेन पे लिखना या किसी एप्स के थ्रू ये बनाना कि हम क्या क्या करने वाले हैं, बहुत इजी है, उसको हम आराम से बना लेते हैं। बट उसको एक्चुअल एग्जीक्यूशन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, हम थोड़े लेजी हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करना है। अगर हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर देंगे तो हम बहुत इजीली वो वीक प्लानिंग जो है वो फॉलो कर पाएंगे। अब आप कहेंगे कि हम अपने ब्रेन को ट्रेन कैसे करें, उसके लिए बहुत सिंपल मेथड है फ्रेंड्स। अगर आप कोई भी चीज़ 2 वीक्स रेगुलर कर लेंगे तो आपका ब्रेन ट्रेन हो जाएगा कि आपको थर्ड वीक में भी यही चीज़ें परफॉर्म करनी है। तो आपको बार बार अपने आप को समझाना नहीं पड़ेगा, बार बार आपको लेजीनेस से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी आपका ब्रेन जो है ट्रेन हो चुका होगा कि आपको ये फंक्शंस परफॉर्म करने हैं विदाउट एनी फेल। तो अपने ब्रेन को ट्रेन करिए कि आप जो भी, अगर आपने 2 हफ्ते कोई भी रूटीन को फॉलो कर लिया तो वो आपकी हैबिट में चेंज हो जाएगा, वो आपका स्केड्यूल का पार्ट बन जाएगा, वो आपके डेली रूटीन का पार्ट बन जाएगा। तो आपकी हैबिट बन जाएगी तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी उसे फॉलो करने में। तो टिप नंबर 5 इज ट्रेन योर ब्रेन। दिस इज द लास्ट टिप फ्रेंड्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। ये टिप है स्लीप वेल। अब यहाँ पे हमने, मैंने ये टिप का क्यों लिखा, इसका टाइम मैनेजमेंट से क्या लेना देना फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टिप और इसका बहुत रिलेटिव लेना देना है टिप टाइम मैनेजमेंट से। स्लीप वेल से यहाँ मतलब है कि फ्रेंड्स, आप कोई भी चीज़ करते हो, चाहे आप एकेडमिक्स कर रहे हो, मतलब आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, या आप डेली रूटीन के काम कर रहे हो, या आप ऑफिस गोइंग हो, वट एवर यू आर डूइंग, आप स्टूडेंट हो या कुछ भी हो, आप अगर प्रॉपर स्लीप लेते हैं तो आप कोई भी चीज़ इजिली कर सकते हैं। अदरवाइज आपका फुल डे आपको लेथार्जिकनेस फील होने लगता है और आपको अच्छा नहीं लगता कोई भी काम करना और आप हर चीज़ को डिले करते जाते हैं। तो अगर हम प्रॉपर रेस्ट लेंगे, अच्छे से सोएंगे, मतलब इन 24 आवर्स अगर आप 8 आवर्स अच्छे से सोएंगे तो आप कोई भी काम करने के लिए आप अच्छे से कर सकेंगे। आप फ्रेश मॉर्निंग स्टार्ट करेंगे और आप जो भी अपनी प्लानिंग आपने की है आप उसको एग्जीक्यूट कर सकेंगे। तो रेस्ट करना, स्लीप वेल इज मोस्ट नेसेसरी थिंग फॉर द टाइम मैनेजमेंट। ये कुछ सिंपल और बेसिक टिप्स हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी है कि आप किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो और अपने 24 आवर्स को मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो, सो दैट कि आपको अच्छे आउटपुट्स मिले। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।